व्हाट्सएप के जमाने में। तो आज मैं लेके बहुत ही दो कमाल के प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट। तो दोनों मैंने अपने लिए पर्सनली खरीदे हैं और मेरा अभी न्यूली बॉर्न बेबी बॉय हुआ है, तो मेरे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ गई है। तो सबसे पहले बता दूंगा, फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा था, अभी आई थिंक महीना ही हुआ है इसको मुझे खरीदा, पर इसको भी मैंने यूज नहीं किया क्योंकि अभी न्यू बॉर्न ही है, दो चार दिन ही हुए हैं तो उसको भी नहलाते नहीं है। वीडियो शायद बाद में पोस्ट करूंगा तो आपको पता चल सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाया है बाथ टब और ये मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट 2600 रुपए का। आप इसकी वीडियो भी चाहे तो देख सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। दूसरी चीज बता दूंगा, ये मैंने मंगाया है, ये हमारा अमेज़न पे सबसे ज्यादा चलने वाला ये मीमी का बेबी बाथर। तो दोनों के अंदर आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि ऑलरेडी जब मैंने ये मंगाया था तो फिर मैंने ये दूसरा जो है क्यों मंगाया, तो इसी साथ साथ मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए कितना जरूरी होगा आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हमारे ये मीमी बेबी बाथर की। काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, पर पोर्टेबल है और आराम से अगर आप चाहें तो एक साल चल सकता है, क्योंकि एक साल से ज्यादा ये ज्यादातर चलता नहीं है। यूजली जो है इसकी मेटल की जो ये रॉड होती है इसमें जंग लग सकता है बार बार मिलाने से, और हल्का फुल्का ये टूट सकती है। और आप देख सकते हैं खाली इसके अंदर नेट है, तो बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज है नहीं या बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये तो 10 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा ड्यूरेबल है। अगर ये एक साथ चलेगा तो आपका तो 10 साल भी चल जाएगा, पर 10 साल की आपको जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये डिफरेंस है, यूजली आप 9 महीने या एक साल तक आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप 0 से लेके 6 साल तक, इसके अंदर खुद ही लिखा हुआ है आई थिंक, उससे अगर आपकी ग्रोथ कम ज्यादा हो थोड़ा फर्क अलग होता है, 6 साल तक अपना बेबी आप नहला सकते हैं। आइए इसको भी मैं दिखाता हूं आपको क्या डिफरेंस है। इसके साथ हमें मिलता है यहाँ पे एक नेट, ये इसी के साथ बाथटब के साथ ही आता है, पूरा का पूरा कंफर्टेबल है। और जो है हमारी स्पंज, छोटी वाली बॉल्स होती हैं इसके अंदर भी है, और इसके साथ भी इसके मीमी के साथ भी हमें आती है स्पंज वाली बॉल्स, के बारे में बात करूंगा मैं। तो देखिए काफी अच्छा है, पर इसके अंदर एक नुकसान है, जैसे कि मेडली में रहता हूँ और सर्दियों के मौसम में मैंने ये चीज मंगाई है, और फर्स्टली जब आया था तो हमने इसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद हम, मैं अभी भी देख रहा हूँ तो अभी भी इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है पानी भरा हुआ है, तो इसको सुखाना काफी आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बेकार है, इसके बिना भी आप इसको यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ये है तो आपको प्रॉपरली अच्छी धूप चाहिए आराम से पूरा एक दो दिन की, क्योंकि सर्दियों की धूप भी बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, या आपको फिर आपको हीटर के आगे रखना पड़ेगा। हीटर के अगर आप बहुत ज्यादा रखेंगे तो इसके अंदर जो थर्माकोल है वो गल सकता है, तो ये भी आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। पंखे नीचे आप रखेंगे तो आपको पंखा पूरा दिन दो तीन दिन चलाना पड़ता है, क्योंकि पंखा जो है रूम ऑलरेडी ठंडा ही करता है। और बात करूं इसके साथ जो ये चीजें, तो यही एक रीजन था कि मैंने ये दूसरे वाला मंगाया है, ज्यादा कुछ खास मुझे दिक्कत थी नहीं इससे। तो देखिए ये हमें छोटी सी हल्की सी स्पंज की है तब किया, और इसको है धो के सुखाना बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है, कुछ ही घंटों में ही सूख जाएगा, हल्की सी धूप भी आएगी, पंखे के नीचे भी आएगी, तब भी आप इसको इजीली आप सुखा सकते हैं। और रही बात अगर बाथ टब की, तो कैसे हमारा ये आपका जो है 6 साल तक यूज हो सकता है, तो शुरू में देखेंगे तो ये ज्यादा गहरा नहीं है, अगर आप चाहें तो पीछे के जो है इसके स्टैंड खोल के इसको और बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको कर दिया है बड़ा, और ये बच्चों के लिए तो एकदम स्विमिंग पूल जैसा ही बन गया है। एक और बड़ी चीज बताऊंगा, अगर आपके घर में ट्विंस हैं तो उनके लिए तो और भी बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों बच्चे इसके अंदर आसानी से फिट आ जाएंगे। आई थिंक एक डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे इजीली फिट आ जाएंगे और मस्त अपना खेलेंगे, तो उसके लिए काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे स्टैंड है इसका, तो ये कहीं हिलेगा नहीं। पर ये आपको चीज बताना चाहूंगा, पहले इसकी वीडियो में मैंने बताई थी कि अगर आपको हमेशा सर्वेलेंस में रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बच्चे छोड़ के चले जाएं आप, कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं गलती से ही, कि इसके अंदर पानी ज्यादा नहीं भरें, क्योंकि पानी भरेंगे तो फिर वो डूबने का चांसेस बना रहेगा, आप वहीं पे खड़े रहिए वहीं पे बैठे रहिए। तो देखिए इसके अंदर हमें मिलता है नॉब, जिसके आप पानी अपना निकाल सकते हैं, पानी भरने के बाद खुली और एकदम आपका पानी निकल जाएगा। तो यही एक मेन डिफरेंस था, मैं बता जाऊंगा, ये आपको मिलता है 1000 रुपए का, ये आपको मिलता है ऑलमोस्ट 2.5 गुना रेट का, पर ये ज्यादा ड्यूरेबल है,
ज्यादा टाइम चलेगा, इससे 5-6 साल ज्यादा चलेगा। क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, टूट जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप खुला भी रखेंगे तो इजीली, मेरे ख्याल से, यहाँ पे मैं पर्सनली कह रहा हूँ, 5-6 साल की गारंटी तो शायद मैं नहीं लेता, इसमें लिखा हुआ है, पर 3-4 साल तो ये चली जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से यूज करेंगे, साफ सुथरा करके रखेंगे, कहीं से कुछ गंदा फाड़े चाकू वाकू नहीं लगेंगे, तो इजीली मस्त चल जाएगा। ये आपका 1 साल के बाद मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर के पास ऑलरेडी ये है और उसको 1 साल होने ही वाला है और इसका ये जो है टूट चुका है, तो उसने अब दूसरा कुछ और मंगाया है। फिर बता दूंगा मेन डिफरेंस। ये आप बड़े बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, ट्विंस हो वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें अपना एक ही बच्चा आप नहला सकते हैं। मेन इसके अंदर जो नुकसान मेरे को खाली यही लगा है कि ये जो इसकी नेट वाली बॉल्स है तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट है, पर इसको सूखने में आपको टाइम लगेगा। अभी भी मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, इसको मैं कम से कम धोए हुए हो गए हैं, कितना टाइम हो गया, सिर्फ हफ्ता हो गया, मेरे को भी ध्यान नहीं था, घर वालों को बताऊंगा कि ये सूखा नहीं है, इसके अंदर अभी भी पानी जो है भरा हुआ है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस। अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट खरीदनी हो तो वीडियो में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन दोनों की मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो भी देख सकते हैं। तो सभी के लिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।